Hello, assalamu alaikum. My name is Muhammad Bilal. And in this video, I am going to tell you about binary search tree. Basically, this is part 2 of binary search tree. The part 1 was I told you about there are some operations which apply to binary search tree. So, one of the operations was insertion. तो मैंने पार्ट वन की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम कैसे इंसर्शन का जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में. ये पार्ट टू है बाइनरी सर्च ट्री का और इसमें एक और ऑपरेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अप्लाई हो सकता है बाइनरी सर्च ट्री में. तो ये जो ऑपरेशन है इसका नाम है सॉर्टिंग. तो इस ऑपरेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में सॉर्टिंग का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. मींस लाइक यू नो, अगर आपके पास कोई भी बाइनरी ट्री आ गई है तो आप कैसे उस बाइनरी ट्री को सॉर्ट कर सकते हैं. तो इधर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉर्ट द गिवन बाइनरी सर्च ट्री. तो ये मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाई हुई है एज ए एग्जाम्पल और मैं इस बाइनरी सर्च ट्री को सॉर्ट करूंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि ये मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं फाइंड आउट करता हूँ कि मैं इसे देखूँ कि एक्चुअली ये बाइनरी ट्री है भी कि नहीं. तो उसके लिए हमें, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बाइनरी ट्री जो होती है उसके टू रोल्स होते हैं कि अगर तो वैल्यू बड़ी है रूट नोड की वैल्यू से तो वो आएगी राइट हैंड साइड पे रूट नोड की, अगर वैल्यू छोटी है रूट नोड से तो वो आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे. तो चलिए हम इसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये जो है ये बाइनरी ट्री है भी कि नहीं. तो जो हमारे पास फर्स्टली जो रूट नोड है 12, अच्छा उसके बाद मेरे पास 9 आया, 9 लेफ्ट साइड पे आया क्योंकि 9 जो है छोटा है 12 से, तो इस ओके कंडीशन इज ट्रू. अब 9 के बाद ये मैं इधर 1 देखता हूँ, 1 इज ऑल्सो लेस देन 9 और वो लेफ्ट हैंड साइड पे आया 9 के, तो इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू. तो मेरी जो ट्री की लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ठीक है, वो तो बाइनरी सर्च ट्री के जो रूल्स है उन्हें पूरा करती है. अब मैं आता हूँ ट्री के राइट हैंड साइड पे, अब देखता हूँ 18, 18 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 12 सो इट मीन्स इट इज राइट. नाउ इधर मैं देखता हूँ 14, 14 आता है 18 के लेफ्ट हैंड साइड पे, 14 छोटा है 18 से, इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ये रूल सही है. और ये आखिर में आ गया 21, तो 21 आता है 18 के राइट हैंड साइड पे. Why? Because ये greater है 18 से, तो इट मीन्स कि ये सारी कंडीशन को जो उसके रूल्स है बाइनरी ट्री के उसे पूरा कर दिया. सो इट मीन्स दिस ट्री इज ए बाइनरी सर्च ट्री. सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री यार. नाउ आई नीड टू अप्लाई द ऑपरेशन ऑन दिस गिवन ट्री of sorting. So here I need to sort the given tree. So मैं उसे कैसे sort कर सकता हूँ? तो उसके लिए first of all, अगर आपके पास कोई भी binary tree आ गई और उसे आपने sort करना है, तो उसे sort करने के लिए आपको, जैसा कि पता है कि हमारे पास ना तीन traverse होते हैं, तीन वे के जरिए हम किसी भी tree को traverse कर सकते हैं. तो हमारा जो पहला वे है ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए वो होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्स, इन ऑर्डर ट्रैवर्स. तो इन ऑर्डर ट्रैवर्स के जरिए हम बाइनरी सर्च ट्री को सॉर्ट कर सकते हैं. अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इन ऑर्डर ट्रैवर्स जो है उसका फार्मूला क्या होता है. हमारे पास एल आर एन आर आई, ये जो एल है ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट को, ये जो आर है ये रिप्रेजेंट करता है रूट को, और ये जो आर आई है ये रिप्रेजेंट करता है राइट को. तो अगर हमें कोई भी बाइनरी ट्री आती है उसे हमने सॉर्ट करना है, हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे इन ऑर्डर ट्रैवर्स की मदद से हम किसी भी बाइनरी ट्री को सॉर्ट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हम इसे कैसे सॉर्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, आपको बस ना इन ऑर्डर ट्रैवर्स के जरिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सॉर्ट कर सकते हैं. तो इसका जो फार्मूला है एल आर
एन आर आई, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। अगर ये आपको याद रहेगा देन इजीली आप ट्री को इन ऑर्डर ट्रैवर्स के जरिए आप ट्रैवर्स कर सकते हैं और आप ना बाइनरी ट्री को सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं फार्मूले में। अभी हमारे पास ट्री, ये मेरे पास फार्मूला है। तो फार्मूले में फर्स्ट ऑफ ऑल एल जो रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट को, तो मैं लेफ्ट साइड पर जाता हूँ। तो ट्री, ये जो मेरे पास गिवन ट्री है, इसके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर, इट मीन्स मैं इस साइड पर आ गया। अब इस साइड पर जो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर है, फिर मैंने ना यही जो चीज़ है ना, ये जो प्रोसीजर उससे फॉलो करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा एल, तो मैंने एल जो है लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने इस पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट नोट जो है वो लिखनी है। तो मेरे पास लेफ्ट नोट क्या है, वन, तो मैंने इधर लिख दिया वन। अब उसके बाद मैं देखता हूँ एल के बाद आता है आर, तो इस पार्ट में मैं देखूंगा रूट नोट मेरे पास क्या है, रूट नोट मेरे पास है नाइन, तो मैं इधर लिख लेता हूँ नाइन। अभी मैंने नाइन लिख लिया। अब उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें फार्मूले में आता है कि आर के बाद मैंने जाना है आर आई पे, आर आई रिप्रेजेंट करता है राइट को, तो इस पार्ट में देखता हूँ राइट नोट, इस पार्ट में मेरे पास राइट नोट नहीं है, तो इट मीन्स मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब इट मीन्स मैंने ये जो ट्री की लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने कम्प्लीट कर ली, वो कम्प्लीटली मैंने ट्रैवर्स कर लिया अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर ट्रैवर्स। तो अब उसके बाद फिर फार्मूले पे आते हैं, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कम्प्लीट कर ली, उसके बाद मैंने जाना है आर पे, मीन्स रूट नोट पे, तो इस ट्री की जो बेसिकली रूट नोड है वो मेरे पास 12 है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 12। तो इट मीन्स मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड जो है ट्री की वो भी मैंने पूरी कर ली, रूट नोड जो है वो भी मैंने लिख लिया। अब मैं फिर फार्मूले पे जाता हूँ, फार्मूले में आर के बाद आता है आर आई राइट, तो इट मीन्स मैंने ट्री के राइट साइड पे जाना है, राइट हैंड साइड जो है ट्री की उससे मैंने जाना है। अब उससे भी जाके मैंने ये जो सेम प्रोसीजर है यही अप्लाई करना है। अब मैंने कैसे करना है, मैं राइट हैंड साइड पे आके मैं देखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जाना है लेफ्ट नोड पे, तो राइट हैंड साइड पे जो मेरा पास मोस्ट लेफ्ट नोड है वो है 14, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 14। अब लेफ्ट के बाद रूट, तो इस पार्ट में मेरे पास रूट नोड है 18, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 18। अब 18 के बाद मैं देखता हूँ फार्मूले पे आर के बाद आता है आर आई राइट, तो इस पार्ट में राइट नोड है मेरे पास 21। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितनी नोड थी गिवन ट्री में, 1 2 3 4 5 6, और इधर मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इट मींस मैंने सारी नोट जो है वो कंप्लीट पे कर ली है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास ट्री है, गिवन ट्री, गिवन बाइनरी ट्री, ये मेरे पास सॉर्ट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर ट्रैवर्स, यानी कि जब मैंने इस ट्री को ट्रैवर्स किया अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर ट्रैवर्स, तो मैंने इस बाइनरी सर्च ट्री को मैंने सॉर्ट कर लिया। तो इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए या कोई उसमें आपको कोई चाहे बड़ी से बड़ी बाइनरी सर्च ट्री दी हो या छोटी से छोटी दी हो और क्वेश्चन आ जाए कि आपको इस बाइनरी सर्च ट्री को सॉर्ट करना, तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये इन ऑर्डर ट्रैवर्स का फार्मूला याद होना चाहिए। तो और आपको पता होना चाहिए कि हम इन ऑर्डर ट्रैवर्स के जरिए हम किसी बाइनरी सर्च ट्री को सॉर्ट कर सकते हैं। तो आपने उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग वही जो सेम फार्मूले का प्रोसीजर है वो आपने अप्लाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो में लाइक ये जो मैंने आपको लेक्चर ये जो बाइनरी सर्च ट्री का दिया है और इसमें ऑपरेशन मैंने आपको बताया सॉर्टिंग का ऑपरेशन कि हम कैसे अप्लाई करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूंगा, रिप्लाई करूंगा एज सून एज पॉसिबल। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। सो अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।